नमस्कार, लाइट कुकिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे सैंडविच। आप इसे डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने आलू लिया है, जिसे पहले से मैंने बॉईल करके मैश कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले, जैसे कि ये एक चम्मच कूटी हुई काली मिर्च, ये थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ी रेड चिली पाउडर, ये आधा छोटा चम्मच काला नमक कुटा हुआ, और ये सफेद नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिए। और हम लेंगे अब ये आधा छोटा चम्मच चाट मसाला, और ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च है, और ये बारीक कटी हुई धनिया पत्ती। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग भी रेडी हो गया है। और यहाँ मैंने ब्रेड लिया है, आप कोई सी भी ब्रेड यूज कर सकते हैं। आप व्हाइट ब्रेड हो तो आप व्हाइट ब्रेड भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास ब्राउन ब्रेड है, इसलिए मैं ब्राउन ब्रेड यूज करूंगी। चलिए पहले हम इसकी करते हैं स्टफिंग। और अब हम लगाएंगे इसमें मेयोनीज, और अब इसमें हम एक एक करके ये स्लाइस रखेंगे। और इसको हम दबा देंगे। ये हमारा सैंडविच बनके रेडी है सिकने के लिए। ऐसे ही हम और तैयार कर लेंगे। ये हमारा ये भी बनके रेडी है। और यहाँ मैंने गैस ऑन कर दिया है और पैन भी रख दिया गर्म होने के लिए। अब हम करते हैं इसका सेकती। अब हम ये डालेंगे देसी घी, आपके पास जो हो आप वो इस्तेमाल करें। इसमें हम रख देंगे ब्रेड, और इसे भी यहाँ हम हमारा सैंडविच बनके रेडी है। इसको निकाल लेते हैं हम, इसको भी हम निकाल लेते हैं। ऐसे ही हम और सैंडविच कर लेते हैं। अगर आपके पास बटर हो तो आप बटर यूज कर लीजिए। मेरे पास देसी घी है, इसलिए मैं देसी घी यूज करूंगी। चलिए हमारा सैंडविच बनके रेडी है। गैस हम करते हैं ऑफ। इसकी हम करते हैं कटिंग।
लीजिए, हमारा सैंडविच बनके रेडी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चैनल में मेरे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।